सर, क्या मूड लग रहा है, क्या करना चाहिए, बाजार की स्थिति क्या है, रणनीति क्या होगी आज की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, दिन के दौरान ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कल के मुकाबले में सिचुएशन आज थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अगर आप दो चार दिनों हफ्ते भर की बात करें तो अभी भी खतरे टले नहीं है। तो उस लिहाज से आपको मिनट टू मिनट जो ट्रेड करना है वो सेंटिमेंट के लिहाज से, तो थोड़ी रिकवरी के आसार दिखते हैं अभी, क्योंकि कल देर रात जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें कोई बहुत बुरे संकेत नहीं आए कि एक्शन ले लिया हो। एक्शन लेने की बात कही है, अब जब एक्शन होगा तब फिर से बाजार थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी एशियाई बाजारों पर नजर रखनी, इस मीटिंग के बाद एशिया किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि जापान तो एकदम सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, देखते हैं हांगकांग वगैरह का किस तरह का रुझान रहता है भारतीय बाजारों के खुलने तक। जो दिख रहा है वो ये कि 9850 9975 निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है, इस रेंज के बाहर निकलेगा इसकी संभावना कम है, और अगर निकले तो फिर ज्यादा संभावना एक नीचे की तरफ थोड़ा सा रास्ता खुल सकता है, जो कि 9800 तक निफ्टी को ले जा सकता है। तो अगर ग्लोबल रिकवरी होती, थोड़े एशिया के बाजार रिकवर करते हैं, तो फिर आप बेहतर तो ये होगा कि 9850 के आसपास खरीदें तो सेफ रहेंगे 9800 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा तरीका यह है कि अगर एशिया मजबूत खुल जाए तो 9900 के आसपास 9925 के आसपास खरीदें, तो फिर 9850 का स्टॉप लॉस रखें। तो शुरुआती कारोबार पर रखेंगे नजर, ऊपरी स्तर पर 9975 10000 इसके पार निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो 9950 से 10000 वो रेंज है, यहाँ पर आए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और बड़े एग्रेसिव ट्रेडर तो एक बार शोर पर फॉरम हो सकते हैं, ना भी करे तो चलेगा। बैंक निफ्टी 24,100 24,400, ये बैंक निफ्टी की 300 पॉइंट की रेंज नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी अगर 24,100 24,200 की रेंज में मिलता है तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए 24,000 स्टॉप लॉस समझ कर, और 24,400 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए 24,500 को स्टॉप लॉस मानकर। तो बेहतर ये होगा बाजार खुलने दें, किस डायरेक्शन में पहले जाता है उसके बाद एक विपरीत कॉन्ट्रा को लेकर ट्रेड करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो कल से बेहतर सेशन देखने को मिलेगा, सेंटिमेंट्स कल से कुछ बेहतर नजर आते हैं, पर हालात अभी भी अच्छे नहीं है। एनालिस्ट स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हुए, एक रेंज है 9850 से 9975, जिसके इर्द गिर्द आपको निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा। अच्छी स्ट्रैटेजी ये होगी कि 9850 के जितने करीब मिले या उन लेवल्स के आसपास मिले तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, 9800 का स्टॉप लगाए और फिर 9925 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। और अगर उछाल ज्यादा आता है, इस रेंज के अपर एंड की तरफ हम मूव करते हैं, तो वहां पर बिकवाली करने के मौके, बेसिकली इस रेंज को जो आपकी स्क्रीन पर है उसे आपको स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के इशू पर क्लोजली फोकस करें, और डोकलम के बाद आज पीएम मोदी और शी जिनपिंग साहब की जो बायलैटरल मीट होने वाली है ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर, उस पर भी फोकस होगा। हालांकि चाइना की तरफ से जो कमेंट्री कल आई थी कुछ बेहतर नजर आई थी, तो आज की बायलैटरल मीट पे भी हम नजर रखेंगे। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, क्या कहती है चार्ट्स की रीडिंग, कल के प्रेशर के बाद क्या आज खरीदारी करने के मौके हैं, या हर उछाल में इस समय मूड बन गया है कि बिकवाली करना ही एक बेहतर रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो निफ्टी है उसमें डेफिनेटली एक रेंज बाउंड जैसा एक फॉर्मेशन बना हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली करेक्टिव फॉर्मेशन है। जब से हमने 9685 से बढ़ना चालू किया है, मुझे लगता है शायद ये मार्केट का जो एक करेक्टिव अपवर्ड लेग खत्म होगा वो होगा 10020 या 10040 के आसपास। कल के दिन में हम सोच रहे थे कि शायद वो लेवल मार्केट रीटेस्ट कर लेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ ये जो नॉर्थ कोरिया के जो इश्यूज है उसके पीछे हम नीचे खुले और फिर नीचे ही रहे। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा और वक्त गुजारेगा, और ये 9850 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग थी 3 दिन पहले, तो वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट मिला था मार्केट को, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आ गया था। तो जब तक 9850 मार्केट ना तोड़े तब तक मुझे लगता है यस हम रेंज बाउंड रहेंगे, और अगर आज मार्केट 20-25 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है निफ्टी को अवॉइड करें बाय करने से। लेकिन अगर शायद ये नीचे खुले और नीचे आ जाए तो 9880 9885 के करीब करीब हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 9850 के लिए, और टारगेट रहेंगे 9970 से लेकर 8